गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने BSNL सिम से कस्टमर केयर को कैसे कॉल कर सकते हो अदर ऑपरेटर में। सो आप लोग 198 पे कॉल करते हो, सो आप लोग कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, लेकिन BSNL के केस में पूरा उल्टा है। इसमें आप लोग 198 पे जब कॉल करेंगे सो आप लोगों का कस्टमर केयर पे कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि कस्टमर केयर का नंबर अलग है BSNL में। सो आप लोग इसको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बस छोटे से इंट्रो के बाद। सो चलिए गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग BSNL सिम से कस्टमर केयर को कैसे कॉल कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आप लोगों को अपने फ़ोन की डायलर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर एक जो कि कस्टमर केयर का है उसको आप लोगों को टाइप करना है। वो नंबर है 1503। सो हम यहाँ पे 1503 टाइप कर देते हैं। अब 1503 टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी BSNL सिम कॉल पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख पाएंगे कि कॉल लगने लग गई है। हमारे केस में आप लोगों को कोई वॉइस नहीं सुनाई देगी कस्टमर केयर की, क्योंकि हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम मोबाइल से और सेम मोबाइल से कॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल आप लोग जैसे ही कॉल करेंगे सो आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप लोग किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। आप लोग फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वह हिंदी में सेलेक्ट होगा, और अगर आप लोग दो कीपैड में टाइप करेंगे सो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। हम यहाँ पे वन पे क्लिक कर देते हैं सो हम लोग हिंदी में बात कर पाएंगे। इसके बाद अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों की सिम कौन सी है, प्रीपेड है या पोस्ट पैड। यहाँ पे हम वन पे क्लिक कर देते हैं। वन पे क्लिक करेंगे सो हमारी जो है BSNL की सिम प्रीपेड है, तो यहाँ पे प्रीपेड पे चल जाएगा। अब आप लोगों को सिंपल कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 पे क्लिक कर देना है। सो डायरेक्ट आप लोगों की कॉल जो है कस्टमर केयर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सो आप लोग डायरेक्ट ही कस्टमर केयर से बातें कर पाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन इसलिए है कि आप लोगों का, क्योंकि हमें IVR का मेनू पता है, तो हम डायरेक्ट उस नंबर पे क्लिक करके वो डायरेक्ट उस कस्टमर सपोर्ट से बातें कर सकते हैं। और इन केस आगे चल के वो IVR पे नंबर चेंज हो सकता है, सो आप लोग वहाँ पर पूरा चेक कीजिए कि किस ऑप्शन पर क्या नंबर दबाना है, उसके बाद आप लोग वैसे कस्टमर केयर से बातें कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।